हेलो दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हमने बताया है 10वीं क्लास का सामाजिक विज्ञान का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने बताया इस वीडियो में, जो कि सभी VBI क्वेश्चन है, MCQ पैटर्न पर आधारित है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर जाकर फॉलो करिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और वहाँ पर जाकर फॉलो करिएगा, मैसेज करिएगा, मैं आप लोगों को दे दूँगा, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, जो कि 10वीं क्लास का एग्ज़ाम भी बहुत ही नज़दीक आ गया है, तो आप लोग ठीक से तैयारी कर सके, तो मैंने उसी पर ये वीडियो बनाया है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में किस खनिज का अभाव है? तो भारत में लेड खनिज का अभाव है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत में लेड खनिज का अभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है? तो इसका आंसर होगा जल। जल परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रसा और डेनमार्क के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना हुई थी, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1907 में भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना हुई थी। ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप बोले प्लीज़ ठीक से देखिएगा वीडियो को। क्वेश्चन है, सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एंथ्रेसाइट। सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है एंथ्रेसाइट, आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात चीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वो कहलाता है विकसित देश। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उसे हम लोग कहते हैं विकसित देश। ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानवर काबर झील किस जिले में स्थित है? तो कानवर काबर झील स्थित है नालंदा जिले में स्थित है, जो कि बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी, इसका आंसर होगा 2015 में, 1 जनवरी 2015 में भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो चावल उष्ण आर्द्र प्रकार की जलवायु का पौधा है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, उष्ण आर्द्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनामी किस स्थान पर आती है? तो सुनामी आती है समुद्र में पहले, ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, समुद्र में। सुनामी समुद्र स्थान पर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगो के रूप में उपयोग किया जाता है? तो हॉलमार्क यानी कि और इसका लोगो उपयोग किया जाता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सोने के आभूषण में इसका हॉलमार्क लोगो का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, सोने के आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? तो साइमन कमीशन भारत आया था, इसका आंसर होगा 1927 में साइमन कमीशन भारत आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है? तो भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी इसका होगा, बाघ के लिए प्रसिद्ध है भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वित्तीय वर्ष है? तो भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, भारत को
वित्तीय वर्ष कहा जाता है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो भारत के सबसे प्रति व्यक्ति आय कम है उसका नाम है बिहार। बिहार में प्रति व्यक्ति आय कम है और इसी के चलते यह थोड़ा पीछे है विकसित राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? तो भारत में सबसे पुराना तेल भंडार है डिगबोई में, जो कि असम राज्य में स्थित है डिगबोई। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार है डिगबोई में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो प्राकृतिक आपदा नहीं है इसका आंसर होगा ऑप्शन डी आतंकवाद। आतंकवाद एक प्राकृतिक आपदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के झाड़िया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो झारखंड के झाड़िया क्षेत्र में मुख्यतः कोयला पाया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कोयला। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और इसका मैं पार्ट टू बहुत ही जल्द लाने वाला हूँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।